तो दोस्तों फाइनली Realme ने इंडियन मार्केट में अपने न्यू स्मार्टफोन Realme GT Neo 2 को लॉन्च कर दिया है, जहां से उसकी ऑफिशियल कंफर्म प्राइसिंग आ गई है। हाँ, प्राइसिंग यहां पे बिट मोर रखी गई है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में से बात करने जा रहा हूं Realme GT Neo 2 के बारे में कि इसकी स्पेसिफिकेशन क्या रखी गई है, इसकी इंडियन प्राइसिंग क्या रखी गई है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या आपको यह स्मार्टफोन लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। इन टोटल आज की इस वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं Realme GT Neo 2 से रिगार्डिंग, तो वीडियो में एंड तक जुड़े रहिएगा। सो हाय गाइस, मैं सौरभ, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम गाइस, लेट्स गेट स्ट्रेट टू द वीडियो। सो दोस्तों चलिए सबसे पहले मैं आपसे Realme GT Neo 2 के स्पेसिफिकेशन के बारे में बात कर लेता हूं। तो दोस्तों इस फोन में आपको 6.62 इंच का एक फुल एचडी प्लस वाला E4 AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जहां पे आपको 120 हर्ट्ज का हाईर रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है एंड 600 हर्ट्ज का इंसेंट टच सैंपलिंग रेट देखने को मिलता है एंड यहां पे आपको 1300 निट्स का पीक बैटरी से उनको मिलता है, जो कि बहुत ज्यादा निकल कर आता है यार। तो यहाँ पे डिस्प्ले क्वालिटी जो है बहुत अच्छा यूज करा गया है। अब दोस्तों सामने की तरफ बात करें तो सामने की तरफ को पंचोली स्टाइलिंग में डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जहां पे आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा लगा कर दिया गया है। बैक की तरफ बात करें तो बैक की तरफ आपको ट्रिपल कैमरा देखने को मिलेंगे, जहां पे जो प्राइमरी कैमरा है वो यूज करा गया है 64 मेगापिक्सल का, सेकेंडरी कैमरा यूज करा गया है 8 मेगापिक्सल का जो कि अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस के साथ में आ गया, थर्ड कैमरा जो है 2 मेगापिक्सल का यूज करा गया है जो कि ऑब्वियस है माइक्रोसॉफ्ट क्लिक करेगा। अब दोस्तों यहाँ पे 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी जो कि टाइप सी पोर्ट के साथ में आएगा एंड यहाँ पे आपको 65 वाट का फास्ट चार्जिंग देने को मिलता है। दोस्तों ये रियलमी का पहला फोन बन जाता है जहां पे आपको 5000 mAh की बैटरी के साथ साथ 65 वाट का फास्ट चार्जिंग भी देखने को मिलता है, जो कि बहुत ज्यादा अच्छी बात है। अब दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट हम किसी भी स्मार्टफोन के चिपसेट की बात करें तो इस फोन में आपको देखने को मिलता है क्वालकॉम की तरफ से क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 870 चिपसेट, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल चिपसेट है, यहाँ पे बहुत पावरफुल चिपसेट है। अब दोस्तों यहाँ पे LPDDR5 वाला रैम टाइप दिया गया, UFS 3.1 वाला स्टोरेज टाइप दिया गया है, जो कि इस फोन में एक और एडवांटेज हो जाती है, इस फोन को और ज्यादा फास्ट बना देता है। अब यहाँ आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिल जाता है, तो काफी ज्यादा अच्छी बात है कि ट्रेंड को फॉलो कर रही है, ये लेटेस्ट फीचर है तो यूज कर रही है, अच्छी बात है। काफी सारे स्मार्टफोन जो है साइड माउंटेड प्रोवाइड करते हैं, बट हाँ यहाँ आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है। एंड दोस्तों गेमर्स के लिए एक बुरी खबर है कि यहाँ पे कोई भी 3.5 mm जैक रिमूव कर दिया गया है, एटलीस्ट 3.5 mm जैक देना चाहिए था यार, गेमर्स की नीड होती है 3.5 mm जैक एंड इसमें गेमिंग काफी तगड़ी लेवल की होने वाली है, बट नहीं दिया। एंड दोस्तों यहाँ पे आपको स्टूडियो स्पीकर्स भी देखने को मिल जाता है। दोस्तों ये स्मार्टफोन जो है Realme UI 2 पे रन करेगा, जो कि Android 11 पे बेस्ड होगा। दोस्तों ये तो हो गई इसकी पूरी की पूरी स्पेसिफिकेशन की कहानी, अब चलिए मैं आपसे बात कर लेता हूँ इसके प्राइसिंग के बारे में। तो दोस्तों देखिए ये स्मार्टफोन जो है 2 वेरियंट में इंडियन मार्केट में लॉन्च करा गया है, जो इसका बेस वेरियंट है वो निकल कर आता है 8GB RAM प्लस 128GB इंटरनल स्टोरेज, जिसका प्राइसिंग निकल कर आता है 31,999 रुपये, मतलब 32,000 रुपये। जो इसका दूसरा वेरियंट है वो निकल कर आता है सबसे ज्यादा हाइयर 12GB RAM प्लस 256GB इंटरनल स्टोरेज, जिसका प्राइसिंग निकल कराता है 35,999 रुपये। अब दोस्तों इसके बेस वेरियंट की बात करें तो बेस वेरियंट का प्राइसिंग स्टार्ट होता है 32,000 रुपये से। मेरे ख्याल से इसकी प्राइसिंग जो है 2,000 रुपये से ज्यादा है, एटलीस्ट इसकी प्राइसिंग जो है 30,000 रुपये रखनी चाहिए, तो उससे ज्यादा एक्सीड नहीं करनी चाहिए थी, बट 32,000 रुपये ओवर किल कर रही है। मतलब Realme एग्रेसिव प्राइसिंग के लिए जाना जाता है और 32,000 एक एग्रेसिव प्राइसिंग नहीं है। यहाँ पे कॉल स्मार्टफोन देखने को मिलते हैं, IQ7 देखने को मिल जाते हैं, Mi 11X देखने को मिल जाते हैं। हाँ, Mi 11X आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है और बहुत सारी चीजें वहाँ पे कम देखने को मिलती है, बट हाँ IQ7 जो इस स्मार्टफोन को नेक टू नेक टक कर देगा और काफी ज्यादा वो गेमिंग के लिए ऑप्टिमाइज भी करा गया, तो आप IQ7 की तरफ भी देख सकते हैं। बट हाँ, अगर आप 32,000 रुपये एक्सटेंड करके इस स्मार्टफोन को ले सकते हैं तो हाँ आप ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब 2,000 रुपये ज्यादा लग रहा है, ठीक ठाक है, मतलब 32,000 में ऐसा लगेगा कि बहुत बड़ा कुछ काम कर दिया या फिर बहुत ज्यादा हायर एग्रेसिव प्राइसिंग है, ले सकते हैं, जस्टिफाइड है 32,000 रुपये में ये स्मार्टफोन, क्योंकि UFS 3.1 स्टोरेज टाइप, LPDDR5 वाला रैम टाइप, तो जस्टिफाइड है, मतलब ले सकते हैं। और अगर आप Realme का स्मार्टफोन लेना चाहते हैं iQOO की तरफ से सेटिस्फाइड है, तो आप iQOO का भी ले सकते हैं, iQOO 7। OnePlus का फोन है, फिर OnePlus Nord 2 Dimensity 1200 के साथ में, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल चिपसेट है, ऑलमोस्ट 870 को बराबर का टक्कर देता है, तो आप वो भी स्मार्टफोन देख सकते हैं। तो अब मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप क्या सोचते हैं Realme GT Neo 2 से रिगार्डिंग। तो बस यही जानकारी थी जो आपको देना चाहता था। तो बस फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को एक लाइक तो कीजिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा। दोस्तों का कोई क्वेश्चन या फिर ओपिनियन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ डाले। तो दोस्तों मिलता हूं ऐसे वीडियो में, टिल देन हैव अ ग्रेट डे, ऑलवेज कीप स्माइलिंग, बाय।